हम लोग पहला चैप्टर तो खत्म कर चुके हैं और उसके बाद हमें ये समझ में आया कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश की हालत को बहुत खराब कर दिया था, आर्थिक स्तर से भी, सामाजिक स्तर पर भी। हम लोगों में हिंदू मुसलमान में बांट दिया और फिर देश का विभाजन ही हो गया। लेकिन आर्थिक स्थिति से किस किस तरह से हमारे कितने खराब पैरामीटर्स थे जो भी मानक हुआ करते थे, चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए या फिर हेल्थ पैरामीटर्स हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी थी या फिर शिक्षा की बात कर लीजिए, हर तरह से हम लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। और जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद कब हुआ था हमारा देश? हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त। कब हुआ था आजाद? 15 अगस्त 1947 को। तो ये बताओ यार कि फिर यहां पर 1950 से क्यों लिखा हुआ है? हमारा जो चैप्टर उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 की हम बात कर रहे हैं। हम 15 अगस्त 1947 से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये करीब 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 2.5 साल का पीरियड जो था उसको क्यों छोड़ दे रहे हैं? तो बात ये है कि यार जो पूरी आजादी हमें मिली थी ना, पूरी आजादी मतलब हमारा ही सिस्टम चल रहा हो, जो हमने सोचा है वैसा चल रहा हो, वो 26 जनवरी 1950 से हुआ था। कब से हुआ था? 26 जनवरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस बोलते हैं। और इसके पहले क्या हुआ था ना यार, हमारा देश आजाद तो हो गया था लेकिन हमारे यहां पर सिस्टम कैसा होगा, व्यवस्था कैसी होगी? जैसे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, सी राजगोपालाचारी थे। तो हमारे यहां पर उस समय तक कोई प्रेसिडेंट का पद नहीं होता था, राष्ट्रपति का पद नहीं था, जो पूरी व्यवस्था थी वो अंग्रेजों की ही चल रही थी, बस अंग्रेज चले गए थे तो हम उनकी व्यवस्था के अंतर्गत ही जी रहे थे। जैसे जब देश आजाद हुआ था तो उस समय तक लॉर्ड माउंटबेटन जो एक अंग्रेज थे वो हमारे देश के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। उनके जाते ही सी राजगोपालाचारी थे, वो हमारे देश के गवर्नर जनरल बन गए। तो जो हमारे देश में व्यवस्था थी वो गवर्नर जनरल बनने की थी, राष्ट्रपति बनने की नहीं थी, प्रधानमंत्री बनने की नहीं थी। तो वो जो 2.5 साल का पीरियड था उसमें हम लोग को बोला जाता था, इंग्लिश में एक शब्द आता है उसको बोलते हैं डोमिनियन। क्या बोलते हैं? डोमिनियन। तो हम लोग एक डोमिनियन थे, डोमिनियन थे मतलब हम आजाद हो चुके हैं लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था वही लागू है जो अंग्रेजों की थी। और इसलिए जो पूरी व्यवस्था है वो वास्तव में परिवर्तित कब से हुई? 1950 के बाद से, 26 जनवरी 1950 से। और इसीलिए इसको भी हम लोग बहुत ही ज्यादा महत्व के साथ, और कई बार तो आप समझिए कि 15 अगस्त को तो हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण होता है कहां से, लाल किले से, लेकिन 26 जनवरी को हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती है। जो परेड निकलती है जिसमें सब लोग मार्च करते हैं वो 26 जनवरी को होती है, वो 15 अगस्त को नहीं निकलती है। ठीक, तो 26 जनवरी को हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। ऐसा नहीं, कोई तुलना की बात नहीं है, लेकिन आप समझिए कि दोनों में अंतर है, क्योंकि यहां से पूरी पूरी व्यवस्था परिवर्तन हुआ था। तो अब जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ था उसमें बहुत सारे सवाल आ रहे थे। सवाल कैसे कैसे थे? सवाल ये भी था कि क्या नए राज्य बनाए जाए। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का बहुत ज्यादा हिस्सा बॉम्बे स्टेट में आया करता था, बॉम्बे नाम का एक स्टेट था। ऐसे ही तेलुगु भाषी कई लोग थे, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी से एक नया राज्य जिसको आंध्र प्रदेश बोलते हैं उसके लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया था थोड़े दिन बाद। मांग पहले से ही उठ रही थी, श्री रामलू नाम के एक इंसान थे जिन्होंने काफी दिन अनशन किया था, फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही थी, बहुत सारी समस्याएं थी। देश आजाद नहीं हो पाया था, उसी समय पर हमारे पड़ोसी जो पाकिस्तान है उसने हमला कर दिया था कश्मीर में, वो लोग आगे तक आ गए थे। उसके बाद से फिर कश्मीर में हमारे देश की सेना ने उनको वापस खदेड़ा और वहां की समस्या आज तक चल रही है, पाक अधिकृत कश्मीर अभी भी हमारे देश में है। तो समस्याएं बहुत सारी थी, भाषा के आधार पर अलग अलग प्रदेशों की मांग चल रही थी, अलगाववाद भी चल रहा था। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जो हमारे देश का वास्तव में हिस्सा नहीं बने थे। कब? 15 अगस्त 1947 को नहीं बने थे। त्रावणकोर जो केरला है वो अलग की बात कर रहा था, हैदराबाद हमारे देश का हिस्सा नहीं था। हैदराबाद आज क्या सिर्फ हैदराबाद शहर की बात नहीं है, बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे प्रश्न थे, और उनमें एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण था वो ये था कि किस तरह का आर्थिक तंत्र हमारे देश में आए। समझिए, आर्थिक व्यवस्था कैसे हो। हम लोग पिछले जो चैप्टर था उसमें समझ चुके हैं क्या कि दो तीन चीजें हैं जो हमारी या किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था है उसको उत्तर देना पड़ता है कि कौन सी चीज बनाई जाए और जो बनाया जाए उसका लेन देन कैसे हो और किन किन लोगों में वो चीज बांटी जाए। ये इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्या ये मूलभूत प्रश्न है इकोनॉमिक्स के। ठीक, अब क्या हुआ, अलग अलग तरह के मॉडल्स थे। मॉडल्स मतलब कि आप अगर इस तरह से काम करोगे तो आपके देश की प्रगति काफी जल्दी होगी, या आप इस तरह से काम करोगे तो आपके देश की प्रगति काफी जल्दी से होगी।
तो उन मॉडल्स में कुछ जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में, उनमें एक होता है पूंजीवाद और दूसरा होता है समाजवाद। ठीक, पूंजीवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म। और समाजवाद को बोलते हैं सोशलिज्म। तो उसी समय एक ऐसा देश निकल करके आया था जिसको हम लोग बोलते हैं आज रूस। तो आज का जो रूस है वो काफी छोटा हो चुका है, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे देशों का मिलकर के एक संघ बना था जिसको हम लोग बोलते थे सोवियत संघ रूस। क्या बोलते थे? सोवियत संघ रूस। और उसमें बहुत तेजी से, तो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, और क्रांति के बाद के कुछ समय के बाद उन्होंने सोशलिस्ट सिस्टम अपनाया। कौन सा? समाजवाद पर आधारित। और समाजवाद पर आधारित वहां पर जो सिस्टम था उसको समाजवाद का वो बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम था। स्ट्रिक्ट, जैसे कोई टीचर होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ये सीधा बैठो, ये जो ऐसे बोलते हैं ना, तो वो टीचर जो बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ और नहीं करने देंगे। तो समाजवाद की भी अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, जैसे कोई भी इंसान प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता था, जमीन आपकी नहीं है, सब कुछ स्टेट का है। स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य नहीं है, नेशन स्टेट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट। जो राष्ट्र होता है ना उसको भी हम लोग स्टेट बोलते हैं कभी कभी। तो कभी कभी नेशन स्टेट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते थे? सिर्फ स्टेट बोल देते हैं। तो स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है कि पूरा जो देश है वहां का राष्ट्र है, उसी के सारे संसाधन है। और देखा यह गया उस समय कि उन लोगों ने बहुत कम समय में बहुत अच्छी प्रगति की है। क्या किया है? बहुत कम समय में बहुत अच्छी प्रगति की है। तो हमारे सामने एक उदाहरण मौजूद था कि देखो यार, इन्होंने ऐसा काम किया है तो हम भी ऐसा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति की हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत ज्यादा शिक्षा थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी। और पूंजीवाद और समाजवाद में दो अंतर हैं, अंतर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य अंतर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अंतर है वो क्या है? वो अंतर ये है यार कि जो हमारे मूलभूत प्रश्न है कि क्या बनाया जाए, इसका उत्तर जो है वो अलग अलग तरह से दिया जाता है। मतलब आप क्या समझ रहे हो, क्या बनाया जाएगा मतलब क्या है? समाज है पूरा। क्या है? पूरा समाज है। समाज में हो सकता है कि लोगों को, जो बहुत गरीब लोग हैं उनको सबको घर चाहिए। घर एक ऐसी नीड है। एक बहुत पुरानी मूवी आई थी, रोटी कपड़ा मकान। क्या थी? रोटी कपड़ा मकान। ठीक, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हर इंसान को चाहिए। रोटी नहीं मिलेगी मर जाएंगे, कपड़े नहीं मिलेंगे तो गर्मी से सर्दी से दोनों तरह से हमें समस्या हो सकती है, मकान नहीं मिलेगा तो फिर बारिश में कैसे रहेंगे, बहुत सारी समस्या आ जाती है। तो अगर ये तीन चीजें इंसान को मिल रही तो उसके पास उसका खुद का एक आत्मसम्मान बचाने का उसको बेसिक नजरिया मिल जाता है, बेसिक सहूलियत मिल जाती है कि अब इसके ऊपर वो कुछ बना पाए। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं आती है। तो जो बहुत सारे गरीब लोग हैं उनके पास हमारे देश में मकान नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है अभी, उसके पहले इंदिरा गांधी आवास योजना चलती थी, इंदिरा आवास योजना। तो बहुत ज्यादा कोशिश हमारे देश में क्या की गई है कि सारे लोगों को उनका मकान दिया जाए। और वो मकान कैसा दिया जा रहा है? गरीब लोग हैं तो उन लोगों को सरकार कभी कभी सुविधा भी देती है कि आपको सस्ती ब्याज दर पे मकान दे देंगे या फिर हम आपको कुछ सहूलियत दे देंगे। तो इस तरह का जब हम उत्तर दे रहे होते हैं कि लोगों की आवश्यकता पर क्या आधारित है, समझ लेना आप, बनाया क्या जाए जो लोगों की आवश्यकता है, जो लोगों की आवश्यकता है उसके हिसाब से जब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और देश की सरकार ये निर्णय लेती है कि क्या क्या बनाया जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? समाजवाद। क्या बोल देते हैं? समाजवाद। और उस समय पर देश में हालत बहुत खराब थी, है ना। तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनको सोशलिज्म बहुत अच्छा लगा। क्यों बहुत अच्छा लगा? क्योंकि एक तो रूस का मॉडल था हमारे सामने, रूस ने बहुत कम समय में बहुत जल्दी प्रगति की थी। दूसरा कारण ये था कि पूंजीवाद क्या करता है? पूंजीवाद बोलता है यार कि बाजार में जो खरीदने की क्षमता है वो बनाओ। अंतर समझिएगा। समाजवाद क्या बोलता है? कि जो आवश्यकता है, क्या है? समाज की आवश्यकता है वो बनाओ। पूंजीवाद भी बनाने की वही कोशिश करता है, लेकिन पूंजीवाद इस जवाब का उत्तर कैसे देता है? पूंजीवाद ये नहीं बोलता है कि जो आवश्यकता है, पूंजीवाद बोलता है जो खरीदने की क्षमता है, जो खरीदने की क्षमता है आप वो बनाओ। अब ये सोचिए कि जो गरीब आदमी है, हमारे देश में इतनी गरीबी थी, सारे लोगों के पास घर खरीदने की क्षमता तो है नहीं, तो हमारे देश के संसाधन कुछ और बनाने में ना लग जाएं, समझ रहे ना आप। इसलिए समाजवाद का सहारा लिया गया। किसका? समाजवाद का। अब समाजवाद में समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है, हम लोग कक्षा 12 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जो मुख्य समस्या आती है उसमें यह मान लिया जाता है कि सरकार को यह पता है कि लोगों को क्या चाहिए। देखिए कुछ चीजें तो सरकार को पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें सरकार को पता नहीं है, और सरकार मान लेती है कि हमें पता है,
और इस वजह से जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं उनकी जगह किसी और चीज को बनाने में संसाधन लगने लग जाते हैं, तो वो कमियां भी हैं। लेकिन पूंजीवाद एकदम प्रारंभ में जब हमारा देश आजाद हुआ है और इतनी ज्यादा आर्थिक विषमता है, शैक्षिक विषमता है और फिर सामाजिक विषमता भी है, तो वैसे सिस्टम में समाजवाद ज्यादा अच्छा लग रहा था लोगों को। और हमारे जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जितने भी थे, जो भी प्रमुख थे, पंडित नेहरू थे, उसके बाद सरदार पटेल भी थे, उसके बाद से आप भीमराव अम्बेडकर की भी बात करोगे, तो उन सारे लोगों को भी यही व्यवस्था जो है वो ज्यादा बेटर समझ में आ रही थी उस समय पर। और आज जो पूरी दुनिया का अनुभव है उसमें इस व्यवस्था को काफी पीछे छोड़ दिया गया है और पूंजीवाद आज लगभग सारी जगह पर चल रहा है, या पूंजीवाद नहीं चल रहा लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है। क्या चल रही है? मिश्रित चल रही है, लेकिन मिश्रित में पूंजीवाद का जो हिस्सा है वो काफी बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या समझा? अभी हम लोगों ने समझा कि समाजवाद क्यों हम लोगों ने उठाया था, या हमारे देश ने समाजवाद को हमारे देश की प्रगति करने का आर्थिक तंत्र क्यों माना था, क्यों मनाया उस डायरेक्शन में। तो दो कारण हम लोगों ने उसकी बात की हुई है। तो एक तो आपकी बात समझ में आती है, ठीक। अब क्या है? तो इसका मतलब क्या यह है कि भारत स्टार्टिंग में एक समाजवाद पर आधारित आर्थिक तंत्र था या अर्थव्यवस्था थी? तो इसका उत्तर आएगा नहीं, ऐसा नहीं था। हमारी जो भी आर्थिक व्यवस्था थी वो हम लोगों ने मिश्रित बनाई। बनाई कैसी? मिश्रित, लेकिन उसमें समाजवाद वाला हिस्सा था वो ज्यादा। जैसे आप समझिए, दो चीजें आप मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? दो चीजें मिला रहे हो, एक तरफ पानी है एक तरफ दूध है। तो आप दोनों को मिला दोगे तो वो जो मिलकर के आया वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। लेकिन हो सकता है एक बार पानी बहुत ज्यादा मिलाया गया हो सकता है एक बार दूध बहुत ज्यादा मिलाया गया हो। तो है तो दोनों मिश्रण, लेकिन उनमें कौन सी चीज ज्यादा मिलाई गई थी या कौन सी चीज का ज्यादा एलिमेंट था, कौन सी चीज थी जो ज्यादा बड़ा कंपोनेंट बना रही थी, वो हमारे स्टार्टिंग में समाजवाद था, पूंजीवाद नहीं था। आप कहेंगे मिश्रित क्यों बनाया गया जो समाजवाद में हमको लग रहा था? मिश्रित इसलिए बनाया गया क्योंकि एक तो हमारा देश एक लोकतंत्र था। रूस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र नहीं था। वहां पर हर इंसान को कई तरह के अधिकार नहीं दिए गए थे। और हमारे देश में उस समय पर एक और अधिकार हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे, आज भी वो अधिकार है लेकिन उस समय पर वो मौलिक अधिकार भी हुआ करता था, जिसको बोला करता था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या कहते थे? राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार ये हुआ करता था। और इसको बाद में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके मौलिक अधिकार से एक लीगल अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा हुआ है। तो एक लोकतंत्र में बहुत कठिन होता कि सारे लोगों से आप प्रॉपर्टीज छीन लो। और आपको पता है कि अंग्रेज बहुत सारे जमींदार बना करके गए थे, तो जमींदारों की बड़ी बड़ी जमीन हुआ करती थी, और उन लोगों से जमीन एक झटके में पूरी पूरी जमीन छीन लेना वो बहुत कठिन होता। हालांकि उसमें भी लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि लोकतंत्र में आप उस हद तक आम आदमी के जीवन में दखलंदाजी नहीं दे सकते जितना कि आप रूस जैसे सिस्टम में दे सकते थे जो उस समय का रूस हुआ करता था। तो एक तो ये कारण था, तो हम लोग पूरी तरह से समाजवाद बना ही नहीं सकते थे। और दूसरा कारण ये भी था कि समाजवाद की भी बहुत सारी कमियां थी जो हमें दिख रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, समाजवाद को ज्यादा महत्व देते हैं लेकिन समाजवाद की जो कमियां हैं सीधे सीधे हमें दिखाई पड़ रही हैं उनकी जगह हम यहाँ पर पूंजीवाद लेकर के आ जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर समाजवाद का मतलब क्या हुआ कि सरकार निर्णय ले रही है, तो सरकार निर्णय लेने में ही हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना बनाना प्रारंभ किया था जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उन पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ ऐसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर जैसे कि कोई भी कंपनी है उसको आपने कुछ दे दिया। आज हमारे देश में रोड्स बनती है, क्या बनती है? रोड्स, सड़कें। क्या बनती है? सड़कें। तो सड़कें बनाने की जो हमारे देश में सबसे बड़ी अथॉरिटी है उसका नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि NHAI खुद सड़कें बहुत कम बनाता है। अब NHAI क्या करता है? प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि आप सड़कें बनाओ, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी सड़कें बनाती है, इनका काम हो गया रखरखाव का और टेंडर देने का, निगरानी करने का, इस तरह का मुख्य काम होता चला जा रहा है। और पहले तो सिर्फ सरकारी कंपनी ही थी जो बनाया करती थी सड़कें, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब आप प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देते हो, किसको? प्राइवेट प्लेयर्स को। और लोग क्या करेंगे? प्राइवेट प्लेयर्स मतलब प्राइवेट कंपनीज है, किसी इंसान ने कोई कंपनी बना ली, उसको जब आप मौका देना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है उससे ये होता है कि पूंजीवाद जो है वो प्रभावी होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट कंपनी, वो क्या सोचेगी? वो ही सोचेगी कि हमें फायदा हो, वो काम करेंगे, समझे ना आप। और एक और चीज है, सुनने में तो ये लगता है कि मैं वो काम करूंगा जिसमें मुझे फायदा हो रहा हूं, तो लगता है यार थोड़ा सा अनैतिक लगता है, थोड़ा सा लगता है कि ये तो सेल्फिश है बहुत,
स्वार्थ भावना बहुत ज्यादा लग रही होती है। लेकिन आर्थिक रूप से देखा गया है कि पूंजीवाद ने कई बार रिसोर्सेस का ज्यादा अच्छा वितरण किया है। क्यों किया है? क्योंकि समाजवाद में सरकार मान लेती है कि हम उससे आवश्यकताएं पता है, और पूंजीवाद में आवश्यकताओं की लगातार खोज हो रही होती है कीमत की वजह से। तो समझ रहे हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि पूंजीवाद जो वास्तविक आवश्यकता है उसको ढूंढ लेती है, और समाजवाद मानती है कि उसे पता है आवश्यकता क्या है। तो इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि समाजवाद उतना अच्छा काम नहीं कर पाया जितना अच्छा पूंजीवाद ने किया, और इसके हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो पूंजीवाद में सब कुछ ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ ना पूंजीवाद में ठीक है, सब कुछ ना समाजवाद में ठीक है, मिश्रित है सब। अब मिश्रित में कौन सी चीज कितनी समाजवाद की हो, कौन सी चीज कितनी पूंजीवाद की हो, ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। दुनिया में अगर ये किसी को पता चल जाए तो नोबेल प्राइज तो सीधा सीधा मिल जाएगा, ठीक। लेकिन हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं। अभी इसी साल पिछले वर्ष हमारे देश की एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो पहले जेएनयू से पढ़े थे, उसके बाद से अभी अमेरिका में हैं, प्रोफेसर हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका सटीक उत्तर अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रयासों से, बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं, परिणाम रहे हैं, कई बार अलग अलग तरह की पॉलिसीज को बनाने के, आर्थिक योजनाओं को बनाने के, उसको देख करके भी हम लोग की समझ बढ़ती जा रही है। तो अभी हम लोग विषय के रूप में इसको सीखते जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक प्लान क्या होता है, जो हमारी पंचवर्षीय योजना होती है वो क्या होती है वास्तव में, और हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें क्या क्या हुआ था, इसकी बात करेंगे। लेकिन एक पॉइंट इसमें रह गया है कि हम लोगों ने 1950 से क्यों बात की है, तो मैंने बता दिया। 1990 तक क्यों की ये नहीं बताया। तो 1990 तक इसलिए की क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का जो हमारा ओवरऑल सिस्टम था, कौन सा सिस्टम? इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक तंत्र, वो लगभग लगभग वैसा ही रहा। 1991 में आज अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी से पहले, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था, और भी लोग थे। और 1991 के बाद से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलपीजी। एलपीजी सिलेंडर आता है आपके घर पे? वो एलपीजी नहीं है, इंग्लिश में बता देता हूं आपको, हिंदी में फिर बताऊंगा। एल से मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर दिया, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था खुल गई थी, इसलिए हम लोग इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और इसकी बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।